ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ शैतवानरवाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अज़ीज़ तुलबा व तालिबात वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मेरा नाम समीना बेगम है। मैं माउन मोल्लेमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आश्रया कॉलोनी रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। बच्चों, आज हम जमात शशुम की साइंस के मज़मून से मुताल्लुक़ सबक नंबर एक, जिसका उन्वान है ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से मुताल्लुक़ मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि आप तमाम अपनी जमात शशुम की साइंस की निसाबी किताब पेन और नोटबुक के साथ अपने पास रखें और जो जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता रही हूँ उसको नोट करते जाएँ। प्यारे तुलबात, आज के हमारे अहम तजरीसी नुकात ये हैं: ग़िज़ा के अकसाम, वैरायटी ऑफ फूड, ग़िज़ा के अज़ाए तरकीबी रॉ मटेरियल्स, ग़िज़ा के ज़राए सोर्सेस ऑफ फूड। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को बग़ौर इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जाग जाओ वेद, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बेटा जल्दी जाग जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी करो बेटा, स्कूल बस आने में बस 10 मिनट बचे हैं। जल्दी करो बेटा, बस किसी भी समय आती होगी, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। अरे कम से नाश्ता लेकर तो जाओ, मैंने टिफिन में रख दिया है, बस में खा लेना, नहीं खाओगे तो स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पता नहीं मम्मी को हमारे खाने की इतनी चिंता क्यों रहती है। वेद, तुम थके हुए लग रहे हो, आज नाश्ता नहीं किया क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। खाने का क्या चक्कर है, सुबह माँ भी बोल रही थी कि बेटा खाना खा लो, नहीं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और अब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है तो सर भी खाने की ही बात पूछ रहे हैं। तो क्या खाना नहीं खाने की वजह से ही मुझे अजीब सा लग रहा है? आज हम पढ़ेंगे नीड ऑफ फूड के बारे में, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है, ये बताइए कि अगर आपको खाने के लिए कुछ भी ना मिले तो आपको कैसा फील होगा? मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। हमें कमजोरी महसूस होगी और हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। बहुत अच्छे, लेकिन ये तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि सर आज मैं लेट उठा था तो कुछ खा नहीं पाया और टिफिन लाना भी भूल गया, और अब मुझे थकान लग रही है और पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा। सिर्फ पढ़ने में? क्या तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है? नहीं सर, जब तक मैं कुछ खा नहीं लेता तब तक मेरा किसी और काम को करने का मन नहीं है। लो, पहले आप मेरा खाना खा लो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है सर। तो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। आपने देखा बच्चों, वेद ने आज सुबह नाश्ता नहीं किया तो वेद को थकान महसूस होने लगी थी और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब खाना खाने के बाद अच्छा लग रहा है। इससे आपको ये पता चला होगा कि फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फूड से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने रोजाना के काम कर पाते हैं। फूड से हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है और मैं कह सकता हूँ कि हम बड़े होते हैं। फूड से हमारा शरीर डिफरेंट बीमारियों से लड़ने की ताकत जुटा पाता है और हम हेल्दी रहते हैं, इसलिए हमको कभी भी भूखे नहीं रहना चाहिए। समझ आया बच्चों? जी सर।
लेकिन सर मेरे घर में पालतू बिल्ली है, क्या उसके लिए भी खाना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए? हाँ, और सिर्फ हमारे और बिल्ली के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के लिए खाना बहुत जरूरी है। बच्चों, ये इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि ग़िज़ा हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी अहम और ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे ग़िज़ा की अहमियत के मुतालिक चंद अहम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, ग़िज़ा हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो इससे हमें तवानाई हासिल होती है। बच्चों, क्या आपको पता है तवानाई किसे कहते हैं? तवानाई जिस जो हम हमें काम करने के लिए मदद करती है, इसे तवानाई कहते हैं। तो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए भी जो है ना, ग़िज़ा बहुत ही अहम है। और अगली बात बच्चों, अच्छी सेहत के लिए भी ग़िज़ा जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बच्चों, अब हम ग़िज़ा के अकसाम से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। आज सुबह आपने घर में क्या खाया, यानी कि आप आज सुबह नाश्ते में क्या खा के आए हैं? तो प्यारे बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि हम सब हर दिन मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। मिसाल के तौर पे रोटी, डोसा, इडली, मछली, चिकन, चावल और दाल वग़ैरह। तो बच्चों, इसी तरह आप अपने दोस्त से भी जो है ना मालूमात हासिल कर सकते हैं कि आज उन्होंने क्या खाया। यहाँ पे देखिए बच्चों, मौसम के लिहाज से हम सरगर्मियों में ज़्यादातर फलों के जूस, सर्दियों के मौसम में जो है ना हम क्या करते हैं, अलग किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों के मौसम में जो है ना हम अलग किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मौसम में गर्मियों में जो है ना ज़्यादातर हम फलों के जूस, ककड़ी, नारियल पानी और खरबूजा वगैरह जैसा इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों के मौसम में हम गर्म चाय, कॉफ़ी, पकौड़े वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारे मुल्क के अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग किस्म की जो है ना ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जनूबी हिंदुस्तान में इडली, डोसा, सांभर जैसे ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पंजाब में छोले भटूरे, पराठा, मकई की रोटी, सरसों का साग वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बच्चों, साहली इलाक़ों में जो है ना मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्या आपको पता है साहली इलाके किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, जहाँ पे समंदर के करीब जो भी इलाके होते हैं, हम उनसे समंदर के किनारे के इलाकों को हम साहली इलाके कहते हैं, जहाँ पे जो है ना मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना मछलियाँ आसानी से दस्तयाब होती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से हमारी जिस्म को ज़रूरी तग़ज़ी अशिया मुहैया होते हैं, यानी कि हमारे को इम्पॉर्टेंट जो है ना न्यूट्रिशंस जो है ना हमारे जिस्म को हासिल होते हैं, जिससे हमारे जिस्म की सही नशोनुमा होती है, और प्यारे बच्चों, और हमें बीमारियों से लड़ने की भी ताकत मिलती है। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में, यहाँ पे जो है ना हिंदुस्तान का नक्शा बताया गया है, जहाँ पे पंजाब है, ये जो है ना ये हमारे सभी साहली इलाके हैं, ये जो है ना जनूबी हिंदुस्तान है, जहाँ पे जो है ना हम अलग अलग किस्म की जो है ना ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है ना, हमारी बीमारियों को लड़ने की ताकत भी हमें जो है ना अच्छी ग़िज़ा खाने की वजह से ही मिलती है। तो अब जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं मौजूदा हालात में, जैसा कि कोरोना जैसी बीमारी जो है ना, हम सभी वाकिफ़ हैं इस बीमारी से, इस बीमारी का इलाज खुदा ने जो है ना हमारे जिस्म में ही रखा है बच्चों, जिसे हम जो है ना मुदाफियती निज़ाम यानी कि इम्यूनो सिस्टम कहते हैं बच्चों। तो ये मुदाफियती निज़ाम दरअसल क्या है? मुदाफियती निज़ाम दरअसल हमारे जिस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत है, जो हमें बहुत किस्म की ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और ताज़ा ग़िज़ा के इस्तेमाल से ही मिलती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एक साल या डेढ़ साल से हम लॉकडाउन में जो है ना कोरोना बीमारी COVID-19 की वजह से हम लोग जो है ना लॉकडाउन हैं, तो इसलिए जो है ना हमें कोरोना वायरस की जो इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हमें जो है ना ज़रूरी काम है तो उसी वक्त जो है ना हम घर से बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और जो है ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो है ना हम दूरी, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। ये जो है ना अहम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है जो हम तमाम को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों,
जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे लिए ताकत बख्श होनी चाहिए और जो है ना न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए जिससे हम हमारे जिस्म में ताकत आए, वैसे ग़िज़ा का जो है ना हम हमारे ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से बच्चों, हम यहाँ पे ग़िज़ा के अज़ाए तरकीबी यानी कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम मालूम करते हैं कि हमारे ग़िज़ा किन मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनती है। आपको पता है हम जो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है ना कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी उन्हें बनाने के लिए हम किन चीज़ों की जो है ना हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि आप रोटी या चपाती बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है आटा, पानी और नमक, जो कि अज़ाए तरकीबी जिसे हम ख़ाम अज़ा यानी तो अंग्रेज़ी में इसे रॉ मटेरियल भी कहलाते हैं, यानी कि आप इसको और एक तरीके से यानी इंग्रेडिएंट बोल के भी कह सकते हैं। तुलबा, यहाँ पे नीचे जो है ना, मैं यहाँ पे एक टेबल आपके सामने दी हूँ आपको, अब यहाँ पे इसका मुलाहिज़ा कीजिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे ग़िज़ाई अशिया और अज़ाए तरकीबी हैं जिसके लिए यानी कि जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसे जो है ना हम तैयार करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे रोटी चपाती, तो प्यारे बच्चों जब हम रोटी या चपाती बनाते हैं तो हमें आटा, पानी और नमक की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से दाल, दाल बनाने के लिए तुलबा हमें दाल दाने, पानी, नमक, तेल और किस्म के अलग अलग किस्म के मसालों की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए, पानी चाहिए और उसके साथ नमक भी चाहिए। लास्ट वन है खीर, खीर बनाने के लिए तुलबा हमें रवा, दूध, शक्कर, घी और मग़ज़ियात की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारे अज़ाए तरकीबी यानी कि रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लानी चाहिए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग़िज़ा के ज़राए। अब हम जानेंगे ग़िज़ाई अशिया के ज़रिए यानी कि तमाम ग़िज़ाई अशिया हमें किस तरह हासिल होते हैं। तो बच्चों आम तौर पर ग़िज़ा के दो अहम ज़राए हैं, इसमें सबसे पहला है पेड़ पौधे जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, दूसरा है जानवर एनिमल्स। ये ग़िज़ा हासिल करने के बहुत बड़े और अहम ज़राए हैं। प्यारे बच्चों ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि ग़िज़ा हासिल करने के दो अहम ज़राए हैं, एक है पेड़ पौधे, दूसरे हैं जानवर जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है ना ग़िज़ा हासिल करने के बहुत बड़े और अहम ज़राए हैं। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है? जी हाँ बच्चों, पेड़ पौधों से हमें चावल, तरकारियाँ, फल और दाल दाने वगैरह हमें पेड़ पौधों से हासिल होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि हमें जानवरों से कौन कौन सी ग़िज़ा हासिल होती है? जी हाँ बच्चों, हमें जानवरों से मछली, दूध, गोश्त, अंडा, घी वगैरह जो है ना हम जानवरों से हासिल करते हैं। तो चलिए बच्चों मज़ीद जो है ना मालूमात चंद मिसालों के ज़रिए जो है ना हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह से हमें दूध मिलता है। यहाँ पे है ना गाय और बकरी से हमें क्या हासिल होता है, दूध हासिल होता है। इसी दूध से हम क्या हासिल करते हैं बच्चों, इसी दूध से हम मक्खन, घी और जो है ना मक्खन घी वगैरह हम इससे जो है ना हासिल करते हैं, जिसे है जो है ना ये गाय और भैंस के दूध से ही ये तमाम चीज़ों को हम बनाते हैं यानी तैयार की जाती हैं। जबकि हमें मुर्गी से अंडा और गोश्त हासिल होता है जिससे हम ऑमलेट, चिकन कबाब वगैरह जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है ना जानवरों से जो है ना हासिल होने वाले जो है ना चीज़ें हैं। जबकि पौधों की बात करें हम, पौधों की बात करें तो गेहूं के पौधे से हमें गेहूं हासिल होता है जिससे बनती है रोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए ग़िज़ाई अशिया और इनके ज़राए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे दी हूँ, इसमें जो है ना आपको क्या
क्या पता चल रहा है? देखो बच्चों, चंद चीज़ें यानी कि चंद अशियाँ हैं जो जिनका जराए दिए गए, यानी कि वो किन जराएँ से हासिल होते हैं। यहाँ पे पहली मिसाल है अंडा। अंडा जो है ना हमें जानवर से हासिल होता है। नेक्स्ट जो है ना मिर्च, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने गिज़ा में, वो हमें पौधे से हासिल होती है। नेक्स्ट है मछली। मछली जो है ना हमें जानवर से हासिल होती है। और यहाँ पे जो है ना अदरक, अदरक भी जो है ना हम पौधे से ही हासिल करते हैं। और आखिर में है पनीर, जो कि हम जानवर से हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा के पेड़ पौधे और जानवर ग़िज़ा के दो अहम ज़राए हैं। तो बच्चों, क्या इनके अलावा भी कोई ऐसे ग़िज़ाई अज़ा मौजूद हैं जो ना ही पौधों से मिलते हैं या हासिल होते हैं और ना ही जानवरों से? क्या आप सोच कर बता सकते हो बच्चों, ये कौन से दो चीज़ें होंगी, ये कौन सी दो अज़ा हैं जो ना ही हमें पेड़ पौधों से और ना ही जो है ना जानवरों से हासिल होते हैं? ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत ही सही जवाब है आपका। तो बच्चों, दो अहम ग़िज़ाई अज़ा हैं जो हमें ना ही पौधों से मिलते हैं और ना ही जानवरों से, वो है नमक और पानी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें नमक कहाँ से हासिल होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें नमक समंदर से हासिल होता है। और पानी, जी बच्चों बिल्कुल सही, पानी हमें मिलता है बारिश, नदी, नाले और तालाब वगैरह से। तो बच्चों, अब तक हमने जो है ना क्या क्या मालूमात हासिल की हैं? हमने जो है ना ग़िज़ा के ताल्लुक से, जो है ना ग़िज़ा के अज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं और जो है ना ग़िज़ा के अहम ज़राए कौन कौन से हैं, इन तमाम के बारे में हम लोग जो है ना मालूमात हासिल कर चुके हैं। और जो है ना ग़िज़ा के दो अहम ज़राए जो ना ही जो है ना जानवरों से हासिल होते हैं और ना ही पेड़ पौधों से हासिल होते हैं, इनके भी मुताल्लुक हम जो है ना मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। बच्चों, अब तक हमने ग़िज़ा ये कहाँ से आती है सबक से मुताल्लुक, ग़िज़ा के अक़साम, ग़िज़ा के अज़ाए तरकीबी और जो है ना ग़िज़ा के ज़राए कौन कौन से हैं, इनसे मुताल्लुक अहम मालूमात हासिल किए हैं। बच्चों, फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम रोज़मर्रा जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए अलग अलग होनी चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए जो है ना मुफीद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। और जो है ना नेक्स्ट हम जो है ना ग़िज़ाए तरकीबी के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, यानी कि ग़िज़ाए तरकीबी जो है ना बच्चों, जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ को तैयार करने में हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उसकी भी चंद मिसालें मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों, नेक्स्ट हम जो है ना ग़िज़ा के ज़राए के बारे में भी जो है ना मालूमात हासिल कर चुके हैं, यानी कि ग़िज़ा के दो अहम और इम्पॉर्टेंट जो दो अहम ज़राए हैं वो हैं पेड़ पौधे और जानवर। इसी तरीके से हम एक और बात भी यहाँ पे जान चुके हैं कि जानवरों और पेड़ पौधों के अलावा भी जो है ना हमारे दो अहम ग़िज़ा के ज़राए हैं, जो कि नमक और पानी हैं। तो अब तक तुलबा या आपके जहन नशीन हो गया होगा कि हमारे लिए जो है ना ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है। चलिए, हम जो है ना आज इससे मुताल्लुक चंद मैं मशक़ी सवालात पूछूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ तुलबा कि आप जो है ना बखूबी जो है ना अच्छे अंदाज़ में इनके जवाबात दोगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है, ग़िज़ा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बच्चों बताइए, ग़िज़ा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने, ग़िज़ा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ग़िज़ा हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ग़िज़ा जो है ना हमारी नशोनुमा यानी हमारे बढ़ोतरी के लिए भी जो है ना बहुत ही अहम है। ग़िज़ा से जो है ना हमें तवानाई हासिल होती है। प्यारे बच्चों, हमें काम करने की, जो भी हम काम करते हैं उससे जो है ना हमें हमारी जो एनर्जी होती है उसी ग़िज़ा की वजह से ही हमें पाई जाती है। और जो है ना हमें जो है ना बीमारियों से लड़ने के लिए भी जो है ना ग़िज़ा बहुत ही ज़रूरी है। तुलबा, मैं एक मरतबा और आपको जो है ना ये अहम पॉइंट बताती हूँ जो ग़िज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है।
غذا ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ہی ضروری عمل ہے اور جو ہے نا غذا ہمارے لیے توانائی مہیا کرتی ہے اور جو ہے نا غذا ہماری نشو نما کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور جو ہے نا غذا سے جو ہے نا ہم بیماریوں سے لڑنے کی جو ہے نا طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے طلبہ غذا کی اہمیت. اب جو ہے نا ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال ہے غذا کے اہم ذرائع کون کون سے ہیں. جی بچوں بتائیے غذا کے اہم ذرائع کون کون سے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح, غذا کے دو اہم ذرائع ہیں. پہلا ہے پیڑ پودے اور دوسرا ہے جانور. جی ہاں پیڑ پودے یعنی کہ پلانٹس اور جو ہے نا جانور یعنی کہ اینیملس. یہ تمام آپ لوگ ذہن نشین کر دیجئے کہ غذا کے دو اہم جو ہے نا ذرائع ہیں, ایک ہے پیڑ پودے اور دوسرے ہیں جانور. تو اب ہم جو ہے نا تیسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دو اہم غذائی اجزاء کے نام بتاؤ جو نہ ہی پودوں سے اور نہ ہی جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو میں ابھی جسٹ بتائی ہوں بچوں, تو بتائیے وہ دو اجزاء کون کون سے ہیں. جی ہاں بچوں یہ دو اہم اجزاء جو نہ ہی پودوں سے اور نہ ہی جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہے نمک اور پانی. ٹھیک ہے بچوں, تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام جوابات نوٹ کر چکے ہوں گے اور جہاں جو بھی میں پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتائی ہوں نا بچوں اس کو آپ جو ہے نا نوٹ کر لیجئے. اب آخر میں جو ہے نا گھر پر کام. بچوں یہاں پہ آپ گھر پر کام کا یہ سوال جو ہے نا نوٹ کر لیجئے, میں اس کے لیے آپ کو وقت دیتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے ہمارا سوال ہے غذائی اشیاء کو بنانے میں استعمال کیے جانے والے اجزاء اور ان کے ذرائع دیے گئے ہیں. آپ کو جو ہے نا صرف یہ جدول کو مکمل کرنا ہے بچوں. یہاں پہ دیکھیں غذائی اشیاء دی گئی ہیں, اجزاء ترکیبی دی گئی ہے اور یہاں پہ ذرائع دیے گئے ہیں. تو جہاں پہ میں ڈیش رکھی ہوں نا بچوں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس جدول کو مکمل کرنا ہوگا. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. ہم ہمارے جو ہے نا اگلی نشست میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی جو اس کا غذا کا جو ہے نا دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے بچوں, میں سمینہ بیگم اسسٹنٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائیر پرائمری اردو اسکول آشرائے کالونی ریچور آپ تمام کا آج کی اس نشست میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ. ಹಾಡಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕು.